तो दोस्तों ये मैं आया हूँ जंगल में। जंगल से पहले एक छोटा सा आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये है एक तालाब, यहाँ पर घूमने फिरने शाम को टहलने के लिए अच्छा जगह हमको लगा। तो इधर घूमते घूमते इधर भी आ गए हैं तालाब की तरफ और हम जाएंगे अभी जंगल की तरफ। जैसा कि दोस्तों हर पहाड़ का एक खासियत होता है, उसके पीछे का कुछ कहानी होता है। तो इस पहाड़ में एक जगह है, ये पीछे का बैकग्राउंड में आपको ये छोटा पहाड़ दिख रहा है लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा है। कभी आप मोबाइल से कभी फ़ोटो खिंचाइएगा तो आप अंदाज लगा लीजिएगा। अब हम अपना बात स्टार्ट करते हैं। तो ये पीछे का जो पहाड़ है इसमें एक जगह है कन्हैया। तो उस जगह में पानी का एक सोता है और उस सोता को अगर आप डायरेक्ट पानी पी लेते हैं तो वहीं पर आप चक्कर खा के बेहोश हो जाइएगा कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेकिन कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर उसका एक नियम है, अगर उसको दो बार तीन बार ऐसे ऐसे उबिछ लीजिएगा या उसमें से पानी थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप पानी पीजिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। तो प्रयास रहेगा, अभी बरसात आने वाला है तो बरसात में हम इस पहाड़ में चढ़ेंगे कुंदरी। और यहाँ का फुलमौसी बहुत स्वादिष्ट होता है सब्जी में, फुलमौसी और कुंदरी। तो ये दो आइटम हम खाने के लिए इस पहाड़ पे चढ़ेंगे तो हम आपको उस जगह से भी रूबरू कराएंगे। तब तक आपको मेरा वीडियो देखते रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि हम उस जगह को आपको लेके जाएं और हम बिना उबिछ के पानी पी के टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसा लगता है। कुछ मेरे साथ में सेफ्टी रहेगा, दोस्त लोग रहेंगे, अगर कुछ उस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो हमको मदद करेंगे। तो यही है दोस्तों मेरा गांव का खूबसूरती। जहाँ तक आप देखिए खूबसूरती ही खूबसूरती है, ऐसी खूबसूरती कुछ कहा नहीं जा सकता है। छोटा थे तो एक जगह था चिनिया, अब वहाँ कहानी स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ का भी हम आपको कहानी बताते हैं। चिनिया था, वो अंदर में 3 किलोमीटर जाने के बाद एक बहुत ही अच्छा नदी बहता था और आसपास में काफ़ी पेड़ पौधा घना जंगल रहता था। वहाँ पर दिन में पेड़ पौधा देख के आपको डर लग जाएगा, इतना घना जंगल था और आदमी का तो नाम निशान भी नहीं। और वहाँ पर आपको, जब मैं वहाँ पर था तो वहाँ पर मोर का पंख बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमको लगता था छोटा में, तो मोर का पंख लेने के लिए हम लोग जंगल जाते थे। तो वहाँ पर का कहानी ये है कि एक वहाँ पर इच्छाधारी नागिन रहा करती थी, मतलब कहानी है। वहाँ के आदिवासी लोग उसको पूजा पाठ करते थे,
अगर गलती से कोई गाय चराने वाला उसको हल्का फुल्का भी देख लेता था तो समझ लीजिए वो कुछ दिन तक बीमार हो जाता था। और यही वहाँ का कहानी है कि और एक खास जगह में उसका जगह था, उस जगह की तरफ आदमी देखना भी नहीं चाहते थे कि गलती से अगर नज़र आ गया तो कुछ भी हो सकता है। तो जंगल का एक अलग खासियत ही होता है, अलग उसके पीछे का कहानी भी होता है। ये तो हो गया दूसरा कहानी। अभी तो हम हाल फिलहाल में उस जगह पे गए थे, मतलब चिनिया गए थे, लेकिन उस जंगल में नहीं। हमको काफ़ी मन था कि उस जगह से फिर से कुछ रूबरू होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि अब हम एक यूट्यूबर हो गए हैं और उस सबको दिखाना और दर्शाने में हमको काफ़ी मज़ा आता। तो फिलहाल वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे पीछे खूबसूरत सा जंगल को आप देख सकते हैं। अगर घर से अभी आप लॉकडाउन में नहीं निकल रहे हैं तो मेरे पीछे एक खूबसूरत सा जंगल है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए दोस्तों, अभी चैनल को हमको बहुत बड़ा करना है। तो यहाँ पर मेरा गांव का जंगल का सफ़र ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।